राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो चुका है और 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी संपन्न हो चुकी है। और अचानक से अयोध्या में राम जी के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रकट हो गए दिव्य शेषनाग, जिसे लोग साक्षात लक्ष्मण जी बता रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान इतना बड़ा चमत्कार देखकर बड़े बड़े पंडित विशेषज्ञों के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री जी के भी होश उड़ गए। लेकिन इस चमत्कार को काफी शुभ संकेत माना जा रहा है। इसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, अयोध्या इतिहास रचने के बहुत करीब है। आखिरकार वह घड़ी आ ही गई जिस दिन का सभी सनातनी लोगों को बरसों से इंतजार था। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में अब प्रभु ने विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन दे ही दिए। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व ही अस्थायी गर्भगृह में राम लल्ला के दर्शन बंद कर दिए गए। अब 23 जनवरी से दोबारा दर्शन आरंभ होंगे, जब राम को नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में स्थानांतरित किया जाएगा। इस आंदोलन की आंच में पूरा देश झुलसा था। सैकड़ों ने सीने पर गोलियां खाई तो हजारों ने अपना लहू पानी की तरह बहा दिया। बात हो रही है राम जन्मभूमि यानी अयोध्या की, जो 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। उसमें पूरी दुनिया को भगवान राम के अस्तित्व से रूबरू कराया है। इस कार्यक्रम के लिए 7000 से भी ज्यादा वीवीआईपी और वीआईपी को न्योता दिया गया है। लेकिन जब 22 जनवरी को विशेष ज्योतिषाचार्य की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जा रहा था, उसी दौरान जो बड़ा चमत्कार हुआ उसकी सच्चाई सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जितना राम मंदिर निर्माण की चर्चा हो रही है, उससे ज्यादा प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी हो रही है। जब नरेंद्र मोदी यजमान प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी करने पहुंचे तो चारों भाइयों के साथ राम लल्ला की छोटी प्रतिमा और 5 फुट की बालक स्वरूप राम लल्ला की बड़ी प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित की गई। सबसे पहले तो प्राण प्रतिष्ठा में जितने भी हमारे यहाँ देवता है, नवग्रह हैं और जितनी राशियां हैं, सभी को शांति करने के लिए पूजा अर्चना हुई। ये सब करने के बाद में मूर्ति के शुद्धिकरण किया और मंत्र जाप शुरू किया गया। ये मंत्र काफी वैदिक होते हैं। इन मंत्रों में ऐसी शक्ति होती है कि यह किसी भी मूर्ति के अंदर प्राण डाल सकते हैं। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, इस दौरान वहां पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी पंडितों के और वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए। गर्भगृह में प्रभु श्री राम की मूर्ति में चरणों के पीछे से अचानक सांप का एक छोटा बच्चा बाहर निकल आया, जिसे देखने के बाद सभी लोगों का यही मानना था। स्वयं शेषनाग ने प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम में आहुति दी है। सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया और सुरक्षित तरीके से बाहर मंदिर परिसर के बाहर छोड़ दिया गया। लेकिन सबके मन में यही सवाल था, गर्भगृह बहुत सुरक्षित है, चारों तरफ से अंदर किसी जीव जंतु के आने की कोई संभावना नहीं है, तो सांप को छोटा सा सांप का बच्चा मूर्ति के पैरों में आखिर कहां से आया था? क्या वह वहां पर चमत्कारी रूप से प्रकट हुआ था? इसके बाद इस चमत्कार को शुभ संकेत मानकर स्वयं लक्ष्मण जी की वहां पर उपस्थित मानकर पुण्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू किया गया। अब सबको इंतजार था 49 सेकंड का, जिसके दौरान प्रभु श्री राम की आंखों से पट्टी हटने वाली थी और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी। इन 84 सेकंड को विशेष मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है, जिसे अभिजीत मुहूर्त कहते हैं, जो कि 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच कुछ सेकंड होते हैं। और जैसे ही 11 से 12 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त का निर्माण हुआ, उन खास 84 सेकंड के दौरान विशेष ज्योतिषाचार्य द्वारा प्रभु श्री राम की आंखों की पट्टी खोल दी गई। मूर्ति की आंखों के सामने रखा हुआ कांच अपने आप टूट गया और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। मतलब कहा जाए कि प्राण प्रतिष्ठा अर्थात पत्थर की मूर्ति को जीवंत करना है। चाहे पत्थर की मूर्ति हो, चाहे धातु की मूर्ति हो, चाहे लकड़ी की मूर्ति हो, जो भी मूर्ति होती है, प्राण प्रतिष्ठित होने पर ही वह पूजनीय होती है। उन मंत्रों के द्वारा उन सारी शक्तियों को उस प्रतिमा में स्थापित किया जाता है, जिससे लोग दर्शन करने के बाद और लाभ उठाते हैं और उन जिन जिन भावनाओं के साथ उनका दर्शन करते हैं, उनका कल्याण होता है। अब सवाल उठता है कि अगर प्राण प्रतिष्ठा के दिन आम जनता राम मंदिर के दर्शन नहीं कर सकती है तो उनके लिए मंदिर के द्वार कब खुलेंगे। बता दें कि आम जनता के लिए राम मंदिर के द्वार 25 जनवरी से खुल जाएंगे। हालांकि मंदिर के दर्शन के लिए लोगों को पहचान संबंधित अपने दस्तावेज लेकर जाने होंगे। इन दस्तावेजों की लिस्ट में आधार कार्ड को पहले नंबर पर रखा गया है। इसके अलावा देश भर में संघ के 45 प्रांतों में रहने वालों को भी राम मंदिर दर्शन का न्योता भेजा गया है। इसके तहत रोजाना 25,000 लोग 45 दिन तक राम लल्ला के दर्शन करेंगे, जिनके ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से की जाएगी। बता दें कि इनमें वे लोग शामिल होंगे जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लिया था या जिन्होंने राम मंदिर धन संग्रह में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया था। अब हम आपको अयोध्या में बने इस राम मंदिर की कुछ ऐसी हैरान करने वाली विशेषताएं बताएंगे जिसके बारे में आपको भी नहीं पता होगा। दोस्तों, मंदिर का निर्माण प्राचीन भारत की नागर शैली में किया गया है। इस मंदिर की ऊंचाई कुतुब मीनार की लगभग 70% है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर भारतीय पारंपरिक विरासत का एक सुविचार, वैज्ञानिक रूप से क्रियान्वित और अद्भुत नमूना है। अयोध्या में लगभग 3 एकड़ भूमि पर बना यह मंदिर 161 फीट ऊंचा, 235 फीट चौड़ा है और इसकी कुल लंबाई 360 फीट है। मंदिर को मजबूत बनाने के लिए खास जोर दिया गया है। इसकी नींव 15 फीट गहरी है और फाउंडेशन पूरी तरह स्टोन से बना है। मंदिर में लोहे या स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिस कारण यह मंदिर 1000 सालों से भी ज्यादा समय तक सुरक्षित रहेगा। मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया है कि रिक्टर स्केल पर 7 की तीव्रता का भूकंप भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। राम मंदिर में कुल 46 दरवाजे लगेंगे। इनमें से 42 पर 100 किलो सोने की परत चढ़ाई है। सीढ़ियों के पास 4 दरवाजे लगे हैं जिन पर सोने की परत नहीं होगी। मंदिर के दरवाजों को महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी से बनाया गया है। इन पर हैदराबाद के कारीगरों ने नक्काशी का काम किया है। मंदिर में राम नवमी के दिन भगवान राम का अभिषेक सूर्य की किरणों से होगा। दोपहर के समय जब सूर्य दक्षिण की ओर होगा तब मिरर और लेंस से सूर्य की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर भगवान के ललाट पर पड़ेगी। सच में दोस्तों, राम मंदिर का इतिहास बहुत बड़ा है और हम सभी इसके इतिहास के सामने बहुत छोटे हैं, लेकिन यह हमारा सौभाग्य है कि हम राम मंदिर को बनता हुआ अपनी आंखों से देख पाए। हम नमन करते हैं उन सभी कार सेवकों को जिनके बलिदान से हमें आज का यह दिन देखने को मिला है। आप भी नीचे कमेंट में उन्हें श्रद्धांजलि जरूर दें और अगर आप एक सच्चे राम भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। रोजाना ऐसी ही सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें।